डीएससी समाज को लेके अपनी राजनीति, जैसे मायावती जी है बहुजन समाज को, डीएससी समाज को लेके कभी डीएससी समाज का फायदा कहाँ मिला है? उन्हीं ने फायदा लिया है। आज उनके बंगले देखो, उनकी कोठी देखो, उनके महल देखो। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। कांग्रेस सर हाईकमान है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, लेकिन उनको हटा के उदयवान है, के राजू है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस। तो कांग्रेस तो ये चलाते हैं, तमार समाज चलाता, गदार समाज चलाता, वाल्मीकि समाज की तो गिनती नहीं है। टिकट तो छल बल सब ऊपर ये बैठे हैं, इनकी एक सिस्टम बैठा ऊपर, बीजेपी में भी बैठे वहां भी ये बैठे हैं। इतने सालों से अध्यक्ष भी यही बनते आ रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज का, डीएससी समाज का कहां बनाया है? किसी भी आप देख लो, किसी में भी कोई अध्यक्ष था, मेरे को टिकट में कहीं भी भागीदारी तो आई नहीं, हिस्सेदारी तो आई नहीं। हमें तो सिर्फ वोट डालने का अधिकार है। आंख बंद करके वोट डाल दो, सरकार बना दो, फिर बनेंगे ये भाई हमारे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और एक बार फिर से सुल्तान वाल्मीकि जी डीएससी समाज के राष्ट्रीय नेता हैं और वो लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं डीएससी के मामले में। सर अभी हाल ही में जिनमें जो मीटिंग हुई और विशाल रैली थी, लाखों की संख्या में डीएससी समाज के लोग आए हुए थे, तो अब क्या होने वाला है इसके बाद? देखो, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि, जय भीम, ये हुजूम था, ये लोगों में एक दर्द था जी, जो कई सालों से दूसरे जो भाई हैं वो आपको खा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम उनको तहे दिल से पहले धन्यवाद करते हैं। फिर जो जींदी में रैली हुई देवीदास जी और पूरी टीम को, हम दिल से गुरुचरण जी को आभार प्रकट करते हैं, जो इतना जनसमूह जोड़ा और एक ताकत दिखाई दी समाज की, जो कि बिखरा हुआ समाज है, कभी इकट्ठा हुआ नहीं। और आज ये ताकत जो दिखाई दी है, तो जिनकी आप बताते हैं कि भाई उनको क्या परेशानी है, तो उनके पेट में दर्द हुआ है। और ये कोई भी सरकारें हो, जो सरकार देखो, ये पिछली सरकार में नुकसान हुआ था 10 साल पहले, इसमें सबको पता है सीएम कौन था, किसने कराया था, क्या हुआ था। हम पिछली बातों पे ना जाते हुए ये कहते हैं, जो इसको लागू करेगा हम उसको सम्मान देंगे, उसको अपने समाज की तरफ से मान सम्मान देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये सरकार को भी आदेश पालन करना चाहिए, आदेश मानना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए, ताकि सरकार का पूरा समाज एक अजूम ऐसा ही इकट्ठा करके दिल्ली में या कहीं हरियाणा में बहुत बड़ा एक दिन शुरू धन्यवाद कर सके। तो क्या रहेगा अभी जो मामला पूरा बनता जा रहा है बिखराव का, तो क्या कभी लग रहा है आपको समाज एक हो पाएगा? नहीं, समाज एक है, डीएससी समाज एक है। जो भाई डीएससी समाज को लेके अपनी राजनीति, जैसे मायावती जी है बहुजन समाज को, डीएससी समाज को लेके कभी डीएससी समाज का फायदा कहां मिला है? उन्हीं ने फायदा लिया है। आज उनके बंगले देखो, उनकी कोठी देखो, उनके महल देखो। वाल्मीकि समाज को, धारक समाज को, सपेरा समाज को, डे समाज को, किसी को भी उन्होंने एमएलए बनाया हो, मंत्री बनाया हो, विधायक बनाया हो, कुछ बनाया हो, किसी को नहीं बनाया, सब समाज का फायदा उन्होंने लिया है। दीना भाना जी ने बनाया था काशीराम जी को, काशीराम जी ने बनाया मायावती को, अब मायावती जी को शायद हटा के रावण आ गया, ये रावण चंद्रशेखर तो सबको लेकर चल रहे हैं। नहीं 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 लेके चल रहा चंद्रशेखर, लेके चलता तो पेट में दर्द क्यों हो इसके? जब इतने सालों से ये खा रहे हैं कि भारत बंद करेंगे, ये करेंगे, वो अब जब लोग इनसे हट गए, इनको नंगा कर दिया, दिखाई देगा कि तुम्हारे पल्ले कुछ ही नहीं, ना तुम भारत बंद कर सकते, एक लाख कोई लड़ाई आज तक जो बेनिफिट मिला सारी जातियों का, डीएससी समाज का इनको मिला है। अब ये कहते हैं कि हम डीएससी समाज का समर्थन करेंगे। अरे मेरे भाई, समर्थन तो जब करोगे जब तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं, एक लिए क्या करोगे? जब तुम्हारे साथ थे तो तुम अपना महल बनाओ, कोठी बनाओ, अपनी लड़ाइयां लड़ो और फायदा अपने आप ही ले गए, समाज को तो कभी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। बताओ किस समाज को मिला? वाल्मीकि समाज को मिला हो, धारक समाज को मिला हो, बंजारा समाज को मिला हो, डे को मिला हो, सपेरे को मिला हो, किसी कंजर को मिला हो, नाई समाज को मिला हो, किसी भी समाज को, छोटी बिरादरी को, 42 जातियां है, किस समाज को फायदा मिला? सिर्फ एक ही समाज को फायदा मिला। फायदा लेने के बाद भी आप फायदा भी ले रहे हो, फिर भाई भी कहते हो, और फिर भाई कहने के बाद गाजियाबाद में उनका सिर्फ फुटवा रहे हो आप, है हरियाणा में काले झंडे दिखाए, यहां करते आप, मतलब गुंडागर्दी ठीक नहीं है समाज में। और नहीं समाज, एक बड़ी वजह मानी जाए गाजियाबाद की घटना, जिसकी वजह से डीएससी समाज में आक्रोश पैदा हुआ, गाजियाबाद की घटना ने क्या डीएससी समाज के अंदर रोष प्रकट किया? हाँ जी, रो देखो, हम जिनको भाई मानते हैं वो हमारा आगे सिर फोड़ेंगे तो भाई थोड़ी रहेंगे, ये तो मौके की बात है, मौका किसको कहाँ लगता है भाई। ठीक है, वहां 5-7 आदमी अगर हमारे पीट दिए तो आप ये बात सोचोगे बहुत बड़ा भारी काम कर दिया है आपने। समय की और मौके की बात होती है, उस मौके का समय को देख के बदला भी लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो सुल्तान जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी जो है अभी इलेक्शन में फाइट कर रही है, कांग्रेस भी फाइट कर रही है, और तमाम पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी हो, चंद्रशेखर की एएसपी है, वो फाइट कर रही है,
तो क्या लग रहा है, क्या बीजेपी ने तो कैबिनेट के थ्रू इसको पास करके इलेक्शन कमीशन जो हरियाणा है उसको दे दिया है, तो अभी क्या लग रहा है अगर वर्तमान में जो सरकार जो बनेगी आने वाले भविष्य में 5 तारीख के इलेक्शन के बाद अगर वो सरकार लागू नहीं करती है इसको तो क्या होगा, फिर डीएससी समाज क्या करने वाला है? देखो सरकार कोई बने, जो सरकार बनेगी जो इसको लागू करेगी पूरा डीएससी समाज उसका हृदय से कोटि कोटि नमन धन्यवाद करेगा, और जो सरकार कोई भी रहती हो जो लागू नहीं करती तो अभी तो कुछ भी अजूमने भी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे अपना हक लेके छोड़ेंगे, हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं जो इतने सालों से पीछे रहे हैं ये समाज आगे बढ़ेगा हमें दुख नहीं, आज अगर हमारे बच्चों को मिल रहा तो इनको क्या दर्द है, क्या क्या तकलीफ है, क्या खाज है, क्यों परेशानी है इनको, ये नहीं होनी चाहिए, है तो फिर हम अपना हक लेंगे, हक लड़ाई से मिलेगा, प्यार से मिलेगा, जैसे भी मिलेगा हम लेने के लिए तैयार, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम अपने समाज के लिए भगत सिंह डीएससी समाज के लिए भगत सिंह कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन सुल्तान जी लगातार आरोप लग रहे हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ कि ये बीजेपी और आरएसएस ने इस आंदोलन को शुरू करवाया है ताकि बहुजन समाज बच जाए और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ना है। नहीं, बीजेपी ने नहीं कराया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ये कई साल से केस चल रहा था, 10 साल पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जब कांग्रेस सरकार भजन लाल की सरकार थी, ये हुड्डा जी ने शैलजा जी के कहने पे एबी का ये मामला तोड़ा था, नहीं भजन लाल सरकार में बना था, जिसमें बेनिफिट आप आंकड़े उठा के देखिए, सब समाज के बच्चे लगे थे, वाल्मीकि समाज के भी लगे थे, दांग समाज के भी लगे थे, चमार समाज के भी लगे थे, और इसको जब हुड्डा सरकार ने बंद करा तो एक ही समाज के लगे, वो आप देख रहे हैं चमार समाज के लगे, आगे भी वही बड़े राजनीति जो राजनीति अधिकार है उनमें 12-12 टिकटें इनको कांग्रेस ने भी दी है, बीजेपी में दी है, कांग्रेस ने 2 टिकटें वाल्मीकि समाज को दी है, 5 टिकटें दो और तीन 5 टिकटें इन्होंने डीएससी समाज को दिए, टोटल 9, मतलब ये कहां पे समाज को देखती है कांग्रेस, कहीं नहीं देखती, बस ये देखते हैं कि भाई ये तो हमारे हैं हमें वोट देंगे, बीजेपी भी यही काम करती है, गलत है ये, बीजेपी ने भी कहां वोट बताओ, उसको विशंबर की टिकट काट दी, 9 टिकट देनी चाहिए थी इनको, वाल्मीकि समाज को 5 टिकट देनी चाहिए थी, इनको भी 5 देनी चाहिए थी, इनकी हिस्सेदारी कहां, इनकी भागीदारी कहां है, हिस्सेदारी भी उस समाज की है, भागीदारी भी उस समाज की है, लेकिन वो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, हां तो करो ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जितनी भागीदारी है उतना हिस्सेदारी दो ना उनको, 25-25-30 साल से अपनी पटौदी विधानसभा होगी, वही जो चुपकर कुकुक होगी, कलानौर विधानसभा होगी, जज्जर विधानसभा होगी, कलानौर हो गई, इस पे एक ही समाज को टिकट मिलती है 25-25 साल से, इस बार वाल्मीकि समाज ने हमारे प्रतिनिधि पूरे समाज के करने वाले वाल्मीकि धर्म पीठ की गद्दी के जो है विद्यार्थी जी महाराज पचपुया आश्रम के जो है उन्होंने, वो हमारे धर्म गुरु है, कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी और हुड्डा साहब से भी बात करी कि भाई हमारे समाज को आप देसी डीएससी समाज को 9 टिकटें दो, 5 समाज वाल्मीकि समाज को दो, 4 उनको दो, लेकिन उन्होंने 3 देते 2 कर दी, कांग्रेस समाज ने हमारे धर्म गुरु की नहीं रखी, ये ऑस्ट्रेलिया से आगे राजकुमार वेरका जी ने वहां के राजू से, राहुल गांधी से, हुड्डा साहब से बात की, उनकी नहीं रखी, ऑल इंडिया के अपने राजेश लिलोटिया जी हैं, उन्होंने बात करी बावरिया जी से, सबसे भाई समाज को दी जाए, उनकी बात ही नहीं रखी, जयकिशन 5 बार का विधायक है, उन्होंने सोनिया गांधी जी की आगे बात रखी, उनकी नहीं रखी, जब ये हमारे समाज के लोगों की बात नहीं रखते हैं, मानते हैं, मानने वाला कांग्रेस हाईकमान है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, लेकिन उनको हटा के उदयवान है, के राजू है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस तो ये चलाते हैं, तमार समाज चलाता है, गदार समाज चलाता है, वाल्मीकि समाज की तो गिनती नहीं है, और जब वाल्मीकि समाज की गिनती नहीं है, जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी, और फिर डीएससी समाज की कहां होगी, किसी की गिनती नहीं है, इन्हीं समाज की, इनके हिसाब से टिकटें बटेंगे, इनके हिसाब से विधायक बनेंगे, इनके हिसाब से सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनाने में तो डीएससी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, वोट तो छोटा समाज देगा ना, कि ये देंगे वोट, ये तो तमार समाज तो बीएसपी को वोट देता है, हाथी पे, ये ना तो बीजेपी को देता ना कांग्रेस को देता, लेकिन टिकट तो ले गए सुल्तान जी, हाँ टिकट ले गए भाई, देखो टिकट तो छल बल सब ऊपर ये बैठे हैं, इनकी एक सिस्टम बैठा ऊपर, बीजेपी में भी बैठे हैं, वहां भी ये बैठे हैं, इतने सालों से अध्यक्ष भी यही बनते आ रहे हैं, हमारे वाल्मीकि समाज का, डीएससी समाज का कहां बनाया है, किसी भी आप देख लो, किसी में भी कोई अध्यक्ष था, मेरे को टिकट में कहीं भी भागीदारी तो आई नहीं, हिस्सेदारी तो आई नहीं, हमें तो सिर्फ वोट डालने का अधिकार है, आंख बंद करके वोट डाल दो, सरकार बना दो, फिर बनेंगे ये भाई हमारे, हम तो कहीं है ही नहीं ना, अब इसी पे विचार कर रहे हैं, आगे जो भी काम होगा, आगे जो भी सिस्टम होगा, वो सब डीएससी समाज को लेके होगा, और डीएससी समाज अब जाग चुका है, डीएससी समाज बहुत बड़ा जागरूक समाज, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, और 5 तारीख को जो डीएससी समाज के हमारे बड़े नेता कहेंगे वहीं हम वोट करेंगे।
लेकिन डीएससी समाज तो लगातार कांग्रेस का ऐसी राय नहीं, रहा है उसका। नहीं 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 देखो रहा जब हमारे अत्याचार मिर्चपुर कांड देख लो, गुवाणा कांड देख लो, आप कांग्रेस सरकार में तो हुए सारे कांड, किस सरकार में हुए? जो हमारा डीएससी का जो ये मामला है ये कांग्रेस सरकार में तो गया था, जब शैलजा जी इनके पास गई, हुड्डा जी ने जब ये खत्म करा था, भजन लाल तो इसे लागू करके गया था, उसके बाद जितने कांड हुए किस सरकार में हुए हैं? ये कांग्रेस सरकार में ही होते हुए हैं। हम क्यों वोट देंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे इनको? जो हमारे साथ गलत करेगा फिर दोबारा ये गलत करेंगे, अगर दोबारा सरकार में आते हैं तो गलत कौन करेगा? यही करेंगे ना। तो विचार करा जाएगा, बात करी जाएगी, बात चल भी रही है समाज की, हमारे की हमारी भी बात हो रही है, और अगर ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देते तो हम सारी जगह से निर्दलीयों को बनाएंगे, जो निर्दलीय फिर हम उनको समर्थन देंगे। सुल्तान जी अभी जिनकी मीटिंग के बाद क्या बड़ा रुख रहेगा आप जैसी समाज का? मैंने बताया ना रुख तो यही रहेगा, अभी बहुत जल्दी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, दिल्ली भी हो जाए, हो सकता है गुड़गांव हो जाए, गुवाणा हो जाए, जहां भी होगा निर्णय लेके और उससे फिर पूरे हरियाणा में विस्तार रूप से, वैसे गुप्त मीटिंग चल रही है हमारी, सर्कल सिस्टम सारा का सारा चल रहा है, फिर हम देखो सरकार किसकी बनाते हैं क्या करते हैं। मैंने आपको बताया अगर कोई हमारी बात को मानता है, हमारे पूरे डीएससी समाज को दिखता है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हमारा हक देने की बात करता है, हमारा हक देता है तो हम उनको वोट देने का दिलाने का काम करेंगे, और नहीं तो निर्दलीय जो है उनको बनाने का काम करेंगे।